ड्रामेबाजी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है और खासकर तब जब ड्रामेबाज बच्चे हों। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ग्रैंड फिनाले की ओर, इन ड्रामेबाजों के लिए चैलेंज होता जाएगा और भी टफ। और आज भी है हमारे ड्रामेबाजों के लिए एक नया चैलेंज। आज इन्हें अपनी ड्रामेबाजी कुछ ऐसे आर्टिस्ट के साथ करनी होगी जो अपने अपने आर्ट फॉर्म में एक्सपर्ट्स हैं। ड्रामेबाजी में फ्यूजन होगा एक्रोबैट्स का, जो दिखाएंगे हवा में कलाबाजियां। इस चैलेंज में देसी तड़का लगाएंगी लावनी डांसर्स ग्रुप, जहां अपने टैलेंट का जादू बिखेरेंगे प्रोफेशनल मैजिशियंस और होंगे हवा में करतब करने वाले एरियल आर्टिस्ट भी। और यही नहीं, ड्रामा होगा मुश्किल जब इनके साथ परफॉर्म करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार। सो लेट द चैलेंज बिगिन। क्या बात है यार, जोरदार तालियां हो जाए हमारे चैलेंजर्स के लिए। बच्चे लोग, आज आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आप लोगों के साथ स्वयं कृष्ण भगवान है, क्योंकि आज है जन्माष्टमी। Happy Janmashtami to everyone. And judges, please, आप अपनी कुर्सी संभालिए, मैं स्टेज संभालता हूँ। आप लोग भी चैलेंजर्स बैठिए आराम से। Hi. आगे बढ़ते हैं। रामायण और उसके उपदेशों को हम सब मानते हैं, लेकिन इसमें महावीर हनुमान और राजा बाली के युद्ध की कथा क्या हम सब जानते हैं? नहीं ना। इसी कथा को आपके सामने लेकर आ रहे हैं हनुमान भक्त श्रीशा फ्रॉम बेंगलुरु और हिमाचल की वादियों से आए सोहम वर्मा, और उनके एक्ट को और भी चैलेंजिंग बनाएंगी राम जी की वानर सेना, यानी हमारे एक्रोबैट्स की टीम। जोरदार तालियां हो जाए उसके लिए। मैं हूँ महाबली बाली, पृथ्वी लोग, पाताल लोग तथा स्वर्ग लोग के वासियों, है कोई जो बाली से युद्ध कर सके? जय श्री राम। हनुमान, तो तुम मुझसे युद्ध करोगे? नहीं वानर राज, आप जैसे महान शक्तिशाली योद्धा से मैं कहाँ युद्ध कर सकता हूँ। मैं तो इस वन में बैठकर प्रभु राम का नाम ले रहा था, परंतु आप इस तरह इस वन का नाश क्यों कर रहे हैं? हनुमान, मैं अपनी शक्तियों का लोगों को आभास कराना चाहता हूँ। हे ब्रह्मपुत्र बाली, शक्तियों का इस प्रकार से दुरुपयोग करने से अच्छा कि आप इन शक्तियों को प्रभु राम के नाम लेने में लगाइए। हनुमान, बाली के चरणों में समस्त संसार है, बाली किसी के चरणों में स्थान लेता नहीं। और कौन है ये राम? अगर इतना ही महान है तो बोलो से कि वो मुझसे युद्ध करे, मैं उसे तुम्हारे समक्ष पराजित करके अपने चरणों का दास बनाऊंगा। तुम प्रभु राम को क्या पराजित करोगे? पहले उनके इस तुच्छ पद को पराजित करके दिखाओ। हनुमान, तुम जैसे तुच्छ वानर को पराजित करने के लिए मेरी वानर सेना ही पर्याप्त है। वानर सेना आक्रमण! ओए! वाओ! जय श्री राम!
हनुमान, तुम्हें याद है कि नहीं कि मेरे पिता ब्रह्मा के वरदान के अनुसार युद्ध के समय मेरे प्रतिद्वंदी का आधा बल मुझ में समाहित हो जाता है। परंतु मुझे इस बात का तनिक भी भय नहीं है। तो फिर परास्त होने के लिए तैयार हो जाओ। वाली, तुम्हें शायद ज्ञात नहीं कि हनुमान जी महावीर तथा महादेव का अंश है। तुम्हारी युद्ध करने की दंडता सुनकर मैं इनके पास गया था और इन्हें कहा, हनुमान जी आप अपने बल के दसवें भाग से वाली से युद्ध करिएगा, क्योंकि वाली आपकी संपूर्ण शक्ति सहन नहीं कर पाएगा। किंतु वाली, तुम तो हनुमान जी के बल के दसवें भाग को भी सहन नहीं कर पाए। हे प्रभु, मेरी इस उदंडता के लिए मुझे क्षमा करें। आपके पास अथाह बल होते भी आप शांत और विनम्र रहते हैं। वाली, किसी भी वस्तु का घमंड व्यक्ति को सदैव विनाश की ओर ले जाता है। ये बात सदैव स्मरण रखना। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। क्या बात। जय बजरंग बली। छोड़ दे दुश्मन की गली। जय बजरंग बली। बजरंग बली। छोड़ दे दुश्मन की गली। Standing ovation. Very nice, यार. Incredible. अब हुआ ना कंपटीशन भारी. देख लो सब बच्चों, ऐसे परफॉर्मेंस होना चाहिए. दिस इज ट्रू सेंस. फैंटास्टिक एक्टिंग था आपका. एंड हमारी ये जो वानरों की सेना जो यहां से कूद कर आ गए, बाप रे. What a surprise. Fantastic. मुझे ये लग रहा था कि ये तो ड्रामा था ही नहीं. ये था, मतलब मुझे उड़ के कहां से ऊपर से छलांग मार के फिर से नीचे आना और सुपर टूपर हिट था ये. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर. कारनामा का बाप था. तोड़ दिया आपने स्टेज. हुमा, एक नंबर तोड़ू परफॉर्मेंस था भाई आज तो. मतलब कि लव परफॉर्मेंस था. सोहम, यू आर सच अ सरप्राइज टुडे. मैं अभी एक दूसरे को देख रही थी कि अरे ये हमारा सोहम है, हमारा स्वीट सा माइल्ड से बात करने वाला, एकदम अच्छे अच्छे जो गुडी बॉय रोल करता है. क्या आपने आज क्या परफॉर्मेंस किया है यार. थैंक यू मैम. सुपर्ब. 20 लोगों के साथ में हमारे इन दो ड्रामेबाजों का कोऑर्डिनेशन, वो भी जब वो हार्नेस पे. और मैं हार्नेस की इतनी फिल्में कर चुका हूँ, एक्शन इतना कर चुका हूँ, मुझे पता है कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है. इस टाइप के परफॉर्मेंस के लिए कई महीनों की प्रैक्टिस की जरूरत होती है. बट विदाउट मिस्टेक, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हो रहा है. सुपर. मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि आरएसएस चिल्ला चिल्ली करेगा, बट जिस तरह से आपने विनम्रता के साथ में, वो एक बॉडी लैंग्वेज हनुमान जी का जो एक शक्ति है लेकिन उस पर अहंकार नहीं है, जिस तरह से आपने वो जो वन का नाश की ये आवाज इस्तेमाल करते हुए, और जब श्री राम के बारे में जब बात हुई तो ए, वो जो अंदर से निकला,
बहुत मजा आया, क्या रेंज देखा यार, सुपर्ब आरएसएस, थैंक यू सर, ग्रेट जॉब बेटा। मेरी तरफ से है सुपर डुपर हिट। अरे हम सबकी तरफ से, इंडिया की तरफ से है ये सुपर डुपर हिट यार। अच्छा आरएसएस, एक बात बताओ, आज आपको महाबली हनुमान जी का रोल प्ले करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऑडिशन से भी वेट था कि मुझे हनुमान का रोल करना है, हनुमान का रोल करना है। और हर शनिवार और रविवार मैं पापा के साथ हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ। अरे वाह, आप हनुमान भक्त हैं? हाँ, मेरा फेवरेट गॉड है। क्या बात है, आपको कैसा लग रहा है सर ऑडिशन से इसको हनुमान जी का रोल प्ले करना था? सर उसको स्क्रिप्ट मिलने के बाद वो इतनी खुशी में आया। सो स्वीट। खुशी का टाइम, खुशी का टाइम। सर सर एक मिनट, एक बात बोलता हूँ। ये शुक्रवार रात को उसका जन्म हुआ, रात 8:25 को। हम खुशी से स्वीट ले रहा था दुकान में, हमारा पूरा डॉक्टर अंदर से जोर से आओ अंदर अंदर जाओ, अर्जेंट अर्जेंट डॉक्टर बुला रहा है। हम अंदर गया, अंदर गया तो उधर डॉक्टर बोल रहा है उसका अंदर का नाल रहता है ना, हाँ, वो पूरा ऐसा हो गया है, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक। जरूर बेंगलुरु को लेके जाना इसको, इसका आरएसएस। हाँ हाँ हाँ, उधर अंदर आईसीयू वार्ड में लेके गया, ऐसा ऐसा कर रहा था, हाँ ऐसा पकड़ो ऑक्सीजन, ऐसा पकड़ो। हम एम्बुलेंस और बेंगलुरु में किस हॉस्पिटल को जाना हम बोलता हूँ, ढूंढता फोन करके पता चलता हूँ, वैसा बोला। हम ऐसा रखा है ना सर, एक ही स्मरण सर, एक ही स्मरण ऐसा रख के, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। ऐसा बोल के बोल के बोल के बोल के 10 बजे हो गया सर, 8:25 को 8:30 को हम ऐसा रखा, 10 बजे हो रहा है, किसी डॉक्टर में भी हमको नहीं डिस्टर्ब किया। बाद में 10 बजे को बोल रहा है लेके जाओ बच्चों को, उसके माँ को दो दूध पीने को। लॉक 9 ईयर से अभी तक उसके फायदे का दिन, फर्स्ट दिन दिन के इधर तक उसका क्या भी वो प्रॉब्लम ही नहीं। वाह, हनुमान जी का एक वर प्रसाद है सर। क्या बात, क्या बात, क्या बात। राम के नाम में और हनुमान जी की भक्ति में इतनी ताकत है, इसीलिए तो उनको संकट मोचन कहते हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय। थैंक यू सो मच। तो बच्चों अब समय हो गया है गिफ्ट्स का, तो क्या करना है हमें? हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओची तो तो गोविंदा, ये क्या है? कमोड। किसके लिए? मुझे क्या लगता है कि बच्चों में से काम करते इन लोग से पूछते हैं ना। हाँ 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 हाँ, बताओ बताओ। गर्मी 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 बार बार मौसम
स्निग्धा, ये वहाँ जाके करता क्या है? ये ना बाथरूम में जाके जैसे बहुत जोर जोर से गाना गाता है। हम उठते ही उसकी आवाज से पॉटी पे गाना गाता है। और वो जब जाता है तब दरवाजा खुला ही रखता है। अरे क्या हो गया यार? गर्वित की मामा, हमें बताइए ये जो आपका लल्ला है पॉटी पे बैठकर जो तानज़ेन बनता है, इसका राज क्या है? सर ये तो है इसका, मतलब टॉयलेट जाते हम सोचते तब तक हमें थोड़ी शांति मिल जाएगी कि ये नहीं बोलेगा, लेकिन जब ये बाथरूम जाता है तो इतने गाने गाता है बिल्कुल ही चुप नहीं होता। और अभी तो ये हाल है कि जो स्क्रिप्ट इसकी आती है उसके सारे डायलॉग बोलता रहता है बाथरूम में बैठा बैठा। मेरे को ज्योत की मम्मी से पूछ रहे हैं। मैम अब तो बहुत समझदार हो गया है, पर एक डेढ़ साल पहले जब उसका हाथ वॉश बेसिन पे नहीं जाता था और उसको हाथ धोना बाथरूम जाके, तो वो टॉयलेट का जेट स्प्रे ऑन करता था और वहाँ हैंड वॉश करता था। ज्योत आज के बाद मुझे हाथ मत मिलाना। और जब एक दो बार मैंने उसको बहुत जोर से गुस्सा किया तो उसने मुझे बाथरूम में ही बंद कर दिया। आपको बंद कर दिया? मैं पूछता हूँ आप लोगों से, जजेस आप लोग क्या करते हैं बाथरूम में? यार ये तो उधर आके दिखाना पड़ेगा। अरे वेरी नाइस। ऐसे बैठते हैं हाँ, और फिर देखते हैं घड़ी, यार शूटिंग के लिए लेट फिर से पहुंचूंगा तो ये दोनों फिर चिल्लाएंगे, मामला कुछ हुआ नहीं है। तो इधर हम शुरू करते हैं। झलक दिखला जा, आहा झलक दिखला जा, झड़ा एक बार आ जा आ जा आ जा आ जा। उसके बाद धूम मचा ले। Come on you people. One more time. उमंग सर प्रदर्शन, मैं पॉटी करता ही नहीं। नहीं करते सर? मैं पॉटी करता ही नहीं। तो आज आपको करवाएंगे सर। Okay sir, come on. आएगा। आए हाय चीची ची। आएगा आएगा आने वाला आएगा। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया सर, आ गया आ गया। वी कुड फील इट सर, वी कुड फील इट। ओके आना जरा हाथ धोके। कोई तो इन सबको रोके, क्या हो रहा है शो पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रामेबाजी करना पहले ही बहुत मुश्किल काम है, पर अगर ड्रामेबाजी में डांस भी करना पड़े तो चैलेंज हो जाता है डबल। हमारे जजेस के इस चैलेंज को स्टेज पर निभाने आ रही हैं महाराष्ट्र से स्पेशल लावणी डांस ग्रुप और पुणे की दीपाली बोरकर एंड स्निग्धा देशमुख। कैसा रहा मेरा शो? वैसा जैसा हमेशा होता है, 30 साल से तू वही कर रही आई। क्या आई तू भी क्या इस लावनी के चक्कर में पड़ी हुई है? कौन देखता है आजकल लावनी? कोई नहीं देखता तो क्या, मैं खुद के लिए नाचती हूँ। हाँ तो खुद के लिए नाचेगी ना, कोई और तो देखने से रहा। आई सीटी अतालिया सिर्फ वेस्टर्न डांस पे बजती है, लावनी का तो सिर्फ खत्म होने का इंतजार करती है पब्लिक। अच्छा तो अब सीटी अतालिया नृत्य का पैमाना तय करने लगी है। सिर्फ सीटी और तालिया नहीं, हजारों की ऑडियंस भी वेस्टर्न डांस ही देखने को आती है। कैसे तेरी ये लावनी देखने को कितने लोग आए थे? आधा हॉल तो खाली था। आई नृत्य का मतलब ही अपने आप में खो जाना है, और एक बार खो जाओ तो कहाँ होश रहता है कि मंच के सामने हजारों लोग बैठे या कोई नहीं। आई लावनी पे कोई डांस होता है क्या?
उसे तो आजकल कोई देखना भी पसंद नहीं करता और वैसे भी लावनी को अच्छा नहीं मानते। बेटा कला कला होती है, अच्छा ही तो देखने वाले लोगों की नजरों में होती है। अगाई प्लीज, मैं अपना वक्त बदलना चाहती हूँ, लोगों का नजरिया नहीं। ठीक है, अरे नेहा, हाँ, है बे, कहाँ जा रही है? प्रैक्टिस? वो हो गई, हमने कर ली। लेकिन मेरे बिना? देख यार, तू इस बार ना डांस कंपटीशन रहने दे, क्योंकि तू बहुत तेज ही टाइप का डांस करती है, और ये इंटरनेशनल लेवल डांस कंपटीशन है। चल यार, अगली बार पार्टिसिपेट करने ना। पर नेहा, बाय। नेहा, नेहा सुन। को बड़ा करता है, मंच हुनर को नहीं। आज तुझे तेरे अपने ही ग्रुप ने पराया कर दिया, तो तू वो क्यों नहीं करती जिसे तू कब का पराया कर चुकी है? लावनी, आई ये इंटरनेशनल कंपटीशन है, देसी नहीं, और लावनी आउटडेटेड है। आज इस लावनी की वजह से नेहा ने मुझे देसी कहा। लावनी कोई नहीं समझेगा। सुनो, नृत्य वो भाषा है जिसे पूरी दुनिया समझती है, लोग इसे भी समझेंगे। लेकिन आई, मेरे पास कोई ग्रुप भी नहीं है। लेकिन मेरे पास तो है ना, तू मेरी देसी लावणी कर और डाल दे उसमें अपना इंटरनेशनल तड़का। तुम इन लोगों के साथ परफॉर्म करोगी जैसी माँ वैसी बेटी लावनी करेंगी। अब इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में नेक्स्ट परफॉर्मेंस लेकर आ रही है मेक 19। इस कंपटीशन में पहली बार लावनी पे परफॉर्म किया जा रहा है। Oh,
the award for the international dance competition goes to Meghna and team for a mind-blowing Lavani with tasty tadka. दीपाली मामा, आंसू रोके नहीं जा रहे हैं? नहीं सर। खुशी के आंसू हैं? हाँ सर। क्या कहना चाहेंगी आप? कितना गर्व महसूस कर रही हैं आप अपनी बेटी पर अब? सर बता भी नहीं सकती इतना, यानी शब्द भी नहीं मेरे पास इतना सर। इतना मेहनत करती है ना सब, इसमें एक्टिंग हो कुछ भी हो, बहुत मेहनत करती है। वो उसके काम में दिखता है। सिग्धा क्या है ये परफॉर्मेंस? मुझे अपनी मम्मा आप में दिखाई दे रही है, मुझे समझाती हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए और अपना ट्रेडिशन अपना होता है, तो मुझे लगा यार जब मेरी मम्मी मुझसे ऐसे बात करती है तो वो ऐसे ही मुझे देखती हैं। सुपर्ब, थैंक यू मैम। और इतनी कम उम्र में ये परफॉर्मेंस, इस लेवल ऑफ, ये लेवल तो मतलब कहां, मेरे को पांव छूने चाहिए आप लोगों के यार। क्या एक्टिंग कर रहे हो आप लोग, बाप रे। थैंक यू, थैंक यू मैम। एंड दीपाली, आप जो डांस के थ्रू जो इमोट करते हो, जो आपके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, मतलब सुपर्ब। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। दीपाली एंड स्निग्धा, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। मतलब आपने कंपटीशन का लेवल इतना रेस कर लिया है कि बच्चों संभल जाओ, डर के बैठना वहां, क्योंकि ये दोनों दिख रहे हैं ना, ये हैं फाइनलिस्ट। थैंक यू सर। ये ड्रामा तो था ही नहीं, कारनामा था सुपर डुपर हिट। थैंक यू सर। सुपर डुपर हिट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस भाई। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है किसी को हंसाना, लेकिन चैलेंज हो जाएगा और भी टफ जब हमारे ड्रामेबाज के साथ एरियल आर्टिस्ट दिखाएंगे अपना कर्तव्य। और इसी चैलेंज से दो दो हाथ करने स्टेज पर आ रही हैं जोया शाह, इनायत वर्मा एंड अनीश रायकर। Woo!
वाह दादा, ये उम्र में भी इतना मेहनत कर लेते हो आप, और डॉक्टर ने तो आपको आराम का सलाह दी है, आराम क्यों नहीं करते? अरे सलाह का क्या है, वो तो कोई भी दे देता है आजकल, और फिर आराम करके घर कहाँ चलता है? अगर आपको कुछ हो गया तो आपका बेटी का क्या होगा? अरे बेटी को कुछ ना हो उसके लिए तो ये सब कर रहा हूँ। पापा हीनू, चल बता अंकल को कि मेरी बेटी बड़े होकर क्या बनेगी। एक दिन मैं सबको हंसाऊंगी और मैं भी आपकी तरह जोकर बनूंगी। हीनू खबरदार जो ऐसी बात की तो। इनू तुम्हें इस दुनिया से बहुत दूर रहना है और पढ़ लिख कर एक बड़ी ऑफिसर बनना है। ओके पापा। चलो तुम जाओ मैं आता हूँ। बाय। शाबाश अनिल। नमस्ते मेम साहब। वाह भाई तुमने तो कमाल कर दिया। मेम साहब आपसे एडवांस की बात की थी। तुम अभी यहीं खड़े हो? कितनी बार कहा है कि जब शो खत्म हो जाए तो फ्लोर पे झाड़ू लगाया करो। लेकिन मेम साहब झाड़ू लगाने का काम तो मेरा नहीं है। तो जो काम है वो काम होता कहाँ है तुमसे? कौन देगा तुझ जैसे बुड्ढे को काम? मेम साहब मेरी बेटी भूखी मर जाएगी। तो मैंने तेरी बेटी का ठेका ले रखा है क्या? औलाद संभाली नहीं जाती तो पैदा क्यों करते हैं ये लोग? चल भाग यहाँ से। मैडम दे दो ना, वापस कर देगा, बेचारे को जरूरत है। फिर भी तुम कहते हो तो दे देती हूँ। ये ले, वापस कब तक करेगा? मेम साहब अगले शो तक वापस कर दूंगा। देखती हूँ। धन्यवाद अनिल। नहीं आया ना आखिर ये चोकर? मैडम मैडम बाप कहाँ है तेरा? मेरे पापा की हालत बहुत खराब है, उनके लिए पैसे चाहिए थे। अरे जा जा, पहले ही तेरा बाप पैसे लेके चला गया। भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से हुआ खुद प्यासे के पास आया है। इनू बेटा इधर आओ, पैसे चाहिए ना बेटा? हाँ बहुत पैसे मिलेंगे, पर उसके लिए तुम्हें हमारे सर्कस में काम करना पड़ेगा। पर मेरे पापा ने सर्कस में काम करने से मना किया। बेटा बस छोटा सा एक्ट है वो कर लो, फिर तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। मेम साहब ये कहाँ से आ गया? सुनो तुम्हारी तबीयत तो खराब थी ना? मेम साहब आपके पैसे। ओ पैसे? हाँ। शो करोगे? हाँ मेम साहब। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। वेरी गुड, शो शुरू होने वाला है, जल्दी। अब आप एक ऐसा एक्ट देखोगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। एरे लग में एक छोटी बच्ची। हीरू 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 Eru
क्या बात है यार, क्या बात है, ऑसम ऑसम। वाओ, इतना मजेदार एक्ट, लेकिन एंड में दिल में दर्द देके गया। बहुत अच्छी तरह से लिखा गया और बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया गया। मानिक, दैट वाज फैंटास्टिक यार, क्या बात है। मतलब आप जो कर रहे थे बहुत इंप्रेसिव। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। थैंक यू आप हमारे शो में आए और चार चांद लगाया आपने। थैंक यू सर। ये तो मैं करता ही रहता हूँ सर शोज, लेकिन मेरे लिए एक्टिंग बहुत टफ था। इसने मुझे सिखाया। अयो ओ मेरी इनू मीनू, डर लगा कि डर नहीं लगा? नहीं। ऊपर जब लटक रही थी तब भी नहीं? नहीं, पहले भैया ने मुझे उड़ते हुए नहीं करवाया था, वैसे ही हाथ पकड़ के करवाया था। तब मैंने कहा हाँ हाँ मैं कर लूंगी। जब मैं फर्स्ट टाइम ऊपर गई, मम्मी। और जब मैं सेकंड टाइम गई थी, फिर मेरे से बहुत अच्छा हुआ था। पर आपने आज बहुत अच्छी एक्टिंग की, फैंटास्टिक। आज तक का इनू का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। वाओ, क्या बात है यार इनायत। अनीश, क्लाउन थिएटर जो आपने किया इज वेरी डिफिकल्ट, और आपने इतनी आसानी से कर दिया। थैंक यू मैम। जैसे मक्खन, जैसे कुछ भी नहीं, दिस इज जस्ट सो इजी। आपका रेंज ऑफ इमोशंस वाज अमेजिंग, बहुत ही मैच्योर परफॉर्मेंस था टुडे। यू वर आउटस्टैंडिंग। थैंक यू मैम। आउटस्टैंडिंग, सुपर्ब, स्टैंडिंग ओवेशन फॉर यू। वो, थैंक यू मैम, स्टैंडिंग ओवेशन, वेरी नाइस। जोकर जब हम देखते हैं ना, तो मेकअप के पीछे छुपा होता है, हंसाता सबको है, लेकिन यू नो हमेशा ऐसा लगता है कि एक आंसू कहीं ना कहीं तो टपकने ही वाला है। उनके अंदर की दर्द हम महसूस नहीं कर पाते, और ये एक्ट ने यू नो वो महसूस करवाया मुझे। वेरी वेल डन। सो एक साथ स्कोर्स, 1 2 3, गो फॉर इट। सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर हिट। क्या जादू दिखाएंगे हमारे ड्रामेबाज जब उन्हें करनी होगी ड्रामेबाजी एक जादूगर के साथ। मंच पर एक मैजिकल एक्ट लेकर आ रहे हैं इंदौर के जो चुरू सिंह और पिंजौर की एंजेले का पिपलानी। जादूगर घोगा, और यहाँ पर सब कुछ नया होगा। और ये है हमारी राजकुमारी। जादू, मैं अंदर हूँ, मुझे तो दिखाओ। आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा मैजिक दिखाने जा रहा हूं। अरे अरे, no
बार अपने मैजिक ट्राई करते रहते हो, अगर मुझे कुछ हो जाता तो बेटी जाओ मेरे लिए एक लड़का लेके आओ। लोग अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढते हैं और आप अपने जादू की प्रैक्टिस के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। भाई तुम्हारा बाप हूँ। हाँ हाँ ठीक है हुमा जी, एक तो मेरे चार एक्ट अच्छे क्या हो गए, जिसको देखो मेरा बाप बन के घूम रहा है, नहीं जाना मुझे कहीं। जाओ वरना मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। नहीं नहीं मैं जाती हूँ। अरे वाह बेटे, आज मैं तुम्हें एक खूबसूरत जादू दिखाता हूँ। जादू? क्या जादू है? हाँ ये तो जादू है। वैसे एक जादू आपकी बेटी ने मुझ पर किया है, बस इसका हाथ मेरे हाथ में दे दो। डैडू। बड़ा आया लड़की का हाथ मांगने के लिए, चूहा कहीं का। अपनी हाइट देखिए। मुझे आपकी बेटी से ही शादी करनी है, आप कुछ भी जादू कर लो मुझे आपकी बेटी से ही शादी करनी है। ठीक है तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है ना, अब मैं तुम्हें असली जादू दिखाता हूँ। जुड़ेंगे पापा बचा लो, वरना घर में बहू जूही चावला की जगह जूही चावलाएगी। क्या बात है, व्हाट अ मैजिकल एक्ट। वापस ले हो जोत प्लीज प्लीज प्लीज। 1 2 1 3 बात है आगे यार, हमें लगा तू चला गया। विवेक भाई कैसा लगा आपको ये मैजिकल एक्ट? बहुत 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 जादू भरा, एंड हमारे जो मैजिशियन साहब हैं अतुल वो भी बहुत जबरदस्त थे, ग्रेट जॉब। थैंक यू। एंड दोनों हमारे जो प्यारे से परफॉर्मर हैं आज, दोनों ने स्टेज पे अपनी एक्टिंग का जादू किया और हम सभी का दिल जीत लिया। बहुत ही स्वीट एक्ट था, एंड खास करके मैं कहना चाहूंगा हमारी ये प्यारी सी परफेक्ट टाइमिंग था, हर डायलॉग के बीच में आप कर रहे थे, अच्छा लगा। थैंक यू सर। मेरे हिसाब से इस एक्ट को हम देते हैं सुपर हिट। मैं तो भाई इस एक्ट को दूंगी सुपर डुपर। वो सुपर डुपर हिट। मैं तो भाई इस एक्ट को दूंगी सुपर डुपर हिट। क्या बात है, जोरदार तालियां बजाएं यार परफॉर्मेंस के लिए। तो बच्चों अब हो गया है टाइम गिफ्ट्स का, तो क्या बोलना पड़ेगा हम लोगों को? हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हांडी आई, हांडी हांडी। ओके कौन फोड़ेगा। आ जाओ। हा 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 हा, ऐसे पकड़ के ये आ,
ये क्या रिमोट है? हुमा शायद आपके लिए ही है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दबाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने रिमोट का बटन दबाया था, कुछ ब्लास्ट वास्ट हो गया था। दबा दे शांतनु, दबा दे, देख ले। अच्छा ठीक है, फिर दबा देते हैं, इतना सब संभाल कर रहे हैं तो। संभाल के लेकिन, ओके? कैसे बताएं? हमारे लिए क्या हो आप? हमारी हिम्मत, हमारी ताकत हो आप। खुशकिस्मत है हम, क्योंकि हमारी किस्मत हो आप। जिसने हमेशा छाव दी वो बरगद हो आप। मुझको घर मिला। कहते हो आप हमको एंजल्स, लेकिन हमारे लिए असली एंजल हो आप। तू जो मिला लो हो गया मैं। थैंक यू विवेक भैया, वी ऑल लव यू। स्पेशल गेस्ट के लिए आपको याद है? मैं सिर्फ 6 साल की थी जब आपने अपने हाथों से मुझे उठाया था, मुझे सपोर्ट किया, मुझे सहारा दिया। अभी आपकी सहारा 15 साल की हो गई है। थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, ऑलवेज लविंग मी, केयरिंग फॉर मी। आई लव यू सो मच। सो स्वीट, सो स्वीट। पंद्रह सोलह साल पहले मैंने एक इनिशिएटिव लिया और उसका कारण यहाँ है। दिस अमेजिंग एंजल अनीता पीटर एंड पूरा जो CPAA का परिवार है, कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन का परिवार, जब मुझे मिले और मेरे दिल में एक बात थी कि जो बच्चे हैं, खासकर जो उस समय जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, फैमिली के कभी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बाहर से आते हैं, कभी गाँव से आते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट फैसिलिटेट कराना, सब्सिडाइज कराना या कभी फ्री करवाना, उनके चेकअप, उनके आफ्टर केयर, ट्रीटमेंट के बाद कैंसर केयर, ये सारे खूबसूरत काम ये 50 साल से करते आ रहे हैं कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन। और पिछले 16 साल में हमने जो एक पहल रखी, तो मिलकर हम करीबन 2.5 लाख बच्चों तक हम पहुँच पाए हैं पूरे हिंदुस्तान में। और पिछले 15-16 साल से मैंने ये कोशिश की कि हर जन्मदिन पर, हर बर्थडे पर मैं इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। आई सेलिब्रेट विद दीज किड्स एंड रियली रियली एंजॉय माई सेल्फ। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से, आई एम वेरी टच्ड। थैंक यू, थैंक यू ZeeTV। भैया हैप्पी बर्थडे टू यू। जब आपका बर्थडे आता है हर बार आप हम कैंसर पेशेंट को मूवी दिखाते हैं, गिफ्ट देते हैं और इंजॉय करवाते हैं। इसके वजह से आज आपके बर्थडे के दिन हम आपके लिए गिफ्ट लाए। ओ ओ थैंक यू। आपको बता दूं कि हमारे ड्रामेबाजों ने भी आपके लिए बहुत अच्छी कुछ तैयारी की है। अरे वाह। यस यस, तो आपको दिखाते हैं। विवेक सर का बर्थडे है ना, तो हम उनको सरप्राइज देंगे।
देखो ये है एचपी की ऐप, अब हम अपने फोटोज प्रिंट करेंगे विवेक सर के साथ और मैसेजेस भी लिखेंगे। हाँ। चुपे, 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 चुपे। देखो आ गया। उसके बाद मेरी फोटो करियो। हाँ अब हम फर्स्ट पेज प्रिंट करेंगे। आ गया प्रिंट, ये अब हमारी बुक कंप्लीट हो गई। ठीक है चलो आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, थैंक यू गर्वित। अच्छा ये स्निग्धा की मूछ। थैंक यू सो मच ये सरप्राइज देने के लिए भैया को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स के साथ एक मल्टी स्टारर फिल्म लॉन्च करने आ रहे हैं इस मंच की जय वीरू की जोड़ी यानी बिहारी बाबू हर्षराज लकी और बातों के बादशाह दादा दादी की जान गर्वित पारेख। और मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ और ये सब मेरी वेटिंग लिस्ट में। झकास। झकास। काम कैसा चल रहा है? एकदम झकास। अरे फ्री बकवास। अपने से कोई उल्टा सवाल मत करना, अपन बहुत इज्जतदार आदमी है क्या? इंडस्ट्री में अपना कोई शत्रु ना है। खामोश। अबे ओ घास लटकी बत्ती के उभरते हुए सितारे। चपड़ गंजू मुंगेरी लाल, अबे जल्दी से बोल मुझे कौन सी फिल्म के लिए बुलाया बेटा? फिल्म है सलमान की बायोग्राफी। ये फिल्म लिखी जा चुकी है, बस राइटर भी अभी आता ही होगा। सर 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 अरे आओ बेटा बताओ क्या लोगे? सर काम का क्रेडिट और इज्जत दोनों में से जो मिल जाए, राइटर को इंडस्ट्री में वही नहीं मिलता। वैसे सर हम जिसकी बायोग्राफी कर रहे हैं वो हीरो का है हमारा। मेरे बारे में इतना मत सोचना, मैं फिल्मों में आता हूं कहानियों में नहीं। जल्दी से स्क्रिप्ट सुनाओ, मुझे जरूरी काम से सोना भी है। सर कहानी सलीम जावेद के लेवल की लिख दी है मैंने। सर एक गांव में ठाकुर नाम का करैक्टर है, जो एक डाकू गब्बर नाम के करैक्टर से बदला लेना चाहता है। ये बस शोले की कहानी है। सर अब ठाकुर की जगह अपने दादा का बदला लेंगे और दादा का रोल करेगा नाना। नाना कहां से आ गया? मी पहिला तुझा डोळ्यांचा तू कधी शंभर एक कधी शंभर टू, या दिवशी झाला फीवर सुरू कधी शंभर एक कधी शंभर टू।
गए मेरी मौत का तमाशा देखने। ऊपर वाले ने खूबसूरत सी चीज बनाई है इंसान, अभी फांसी पे लटका दिया जाएगा, जबान ऐसे बाहर आ जाएगी। आ गए सब लोग। अरे मजनू, अरे उदय भाई, क्या बात है बाबा, चट्टान बापू भी हीरो बनने के लिए आए ले। क्या 1, 2, 4, 4, 2, 1 कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, दौलत है, शौहरत है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। समझ नहीं आ रहा, सारे एक्टर है कि मरीज है, इसको जुकाम हो रहा है, इसका डैंड्रफ नहीं जा रहा, और ये तो बालों की दुकान है। जोरदार तालियां हो जाए भाई, क्या बात है यार। वेग भाई कैसा लगा ये? अच्छा है, अच्छा है। सुपर्ब है, बहुत मजा आया। मतलब हमारे ड्रामेबाजों ने तो कमाल किया ही, लेकिन ये जो चार बड़े ड्रामेबाज हैं, कमाल कर दिया आप लोगों ने। अमेजिंग परफॉर्मेंस था, क्योंकि उसमें सिर्फ डायलॉग्स ही नहीं, बॉडी लैंग्वेज भी थी, डांस मूव्स भी थे। फैंटास्टिक है, ग्रेट जॉब, सुपर्ब। एक बात माननी पड़ेगी, ये हमारे तो छोटे से बदमाश जो है, इन्होंने आपको सॉलिड कॉम्पिटिशन दिया। जी हाँ। तो मतलब हमारे तो दोनों ये थोड़े बम के गोले हैं, ये किसी को भी टक्कर दे सकते हैं, क्यों? टोटली। जजेस बता दीजिए कि आज का ड्रामेबाज ऑफ द डे कौन है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि तीन जजेस में मतभेद है। सो जस्ट टू क्लैरिफाई, हम तीनों अपने अपने पर्सनल फेवरेट ड्रामेबाज आप सबको बताएंगे। ओके, सो माय ड्रामेबाज ऑफ द डे इज अनीश। ओके, माय ड्रामेबाज ऑफ द डे इज दीपाली। एंड स्निग्धा। स्निग्धा, वो कांग्रेचुलेशंस, आप तीनों हो ड्रामेबाज ऑफ द डे। आप लोगों को मिलता है ये हैम्पर। जोरदार तालियां भाई। आज इस मंच से हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, केरला के लिए, हमारे दोस्तों के लिए आपकी दुआएं। हम चाहते हैं कि आप उन्हें अपने तन मन और धन से सपोर्ट करते रहे, लेकिन अभी ढेर सारी मदद की जरूरत है। प्लीज हेल्प केरला, और प्रे कीजिए कि वहां लोगों की जिंदगी जल्द से जल्द नॉर्मल हो सके।